मुस्कान दीदी। उषा आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। देखो दीदी कितने प्यारे कलर्स हैं ना इन बलून्स के, बच्चों ने मुझे प्रेजेंट किए हैं। माँ पिकनिक इतनी अच्छी थी कि पूछो मत, बच्चे तो झूले से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वो पराग है ना पापा, वो तो मेरे लिए। क्या हुआ, आप सब इतने चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? खुशी के मारे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। खुशी? कैसी खुशी? काजल, आज राहुल आया था। उसके पेरेंट्स भी आए थे, पता है झोली फैला के तेरा रिश्ता मांगा है उन्होंने। हाँ काजू, देखना खुशियाँ फिर से लौट आई है तेरे पास, कितनी प्यारी दुल्हन बनेगी तू। पहले तो मैं बहुत नाराज हुई, खरी खोटी सुनाई उन्हें, पर जब तेरा ख्याल आया तो मेरा सारा गुस्सा उतर गया। चलो हमारे घर में भी एक खुशी का मौका तो आया। आपने उन्हें क्या जवाब दिया? बेटे हमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उनको। हमने कहा कि काजू इस वक्त घर पे नहीं है, वो आएगी तो उससे पूछ के बताएंगे। मैं तो कब से कह रही हूँ काजू को इनकार क्यों होगा। अरे फोन उठा और सविता को बधाई दे, चल। मेरा जवाब सुने बिना उन्हें कोई जवाब नहीं देना। जानती हूँ तेरा जवाब हाँ ही होगा। नहीं, मेरा जवाब ना है।